नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देशभर में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित की। आपको बताते चले कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ ही आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री का भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा कि उनकी सादगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण का जय जवान जय किसान का प्रतिष्ठित आवाहन भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भारत की प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण समय में उनका नेतृत्व अनुकरणीय है। हम सदैव सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कार्य करते रहेंगे। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बापू को याद करते हुए ट्वीट किया। आपको बताते चले कि उन्होंने लिखा कि सत्य के साधक, अहिंसा के सशक्त पुजारी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। बापू के सत्य, अहिंसा व समाज उत्थान के विचार सदैव पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते रहेंगे। चंडीगढ़ राजभवन में महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। वहीं कलाकारों ने भजन और गीत के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर गीत गाया। भिवानी में विधायक घनश्याम सरफा ने शहर के बंसीलाल पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया और इस मौके पर विधायक घनश्याम ने अपने समर्थकों के साथ पार्कों की सफाई भी करवाई। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने लोगों को भी स्वच्छता की शपथ दिलवाई और कहा कि स्वच्छता बेहद ही जरूरी है। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला और साफ सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। पर हमें स्वच्छता के लिए शपथ लेनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता के अंदर अपना गूढ़ विश्वास रखते हैं, तो आप सबको भी इस काम के लिए लगना चाहिए। आज मैंने 15 लोगों को ये शपथ दिलाई है कि इस पार्क में कचरे के रूप में जो भी 10-15 चीजें होंगी उसको उठा के ये डस्टबिन में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मूड में आ चुकी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में पानीपत में शहर विधानसभा में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें पन्ना प्रमुखों को चुनावी टिप्स देने के लिए बीजेपी हरियाणा प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि विप्लव देव ने मंच से हुंकार भरते हुए पन्ना प्रमुखों को जोश भरने का काम किया। पन्ना प्रमुख कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि विप्लव देव ने कहा कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के ही एमपी हैं, तो अब भी सभी 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार लड़ेंगे, यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी से कोई समझौता करने दिखाई नहीं दे रही है। वहीं आपको बताते चले कि प्रभारी ने कहा कि बीजेपी के साथ जो जुड़ता है वह जुड़ता ही चला जाता है, जो अपने आप जाना चाहता है हम उसे नहीं रखते। बंटवारे के बारे में क्यों सोचते हो भाई? बंटवारा अच्छा है क्या? देश बंटवारा हुआ तो अच्छा हुआ था क्या? इसलिए
एकत्रित रहे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, 10 के 10 लोकसभा में हमारा ही एमपी है, तो सभा भी का हमारा ही एमपी लड़ेगा। और मैंने कल फरीदाबाद में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ता है, जो जोड़ता है उसको वो रह जाता है, जो अपने आप जाना चाहता है तो हम रख नहीं सकते। तो इसीलिए मेरा काम भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करना है, संगठन को शक्तिशाली बनाना है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने फोन पर सोशल मीडिया ऑडियो वीडियो कॉल करने के 3 आरोपियों को भिवानी पुलिस ने मेवात से गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि जहां दोनों आरोपी मेवात के ही रहने वाले हैं, दोनों आरोपियों की उम्र महज 22 से 24 साल के बीच की है, जबकि इस मामले में अन्य 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए भी भिवानी पुलिस प्रयासरत है। वहीं आपको बताते चलें कि आरोपियों को भिवानी साइबर थाना पुलिस ने न्यायालय में भी पेश किया है और न्यायालय से पुलिस ने आरोपियों का 3 दिन का रिमांड हासिल कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि वीरवार को एक बैठक के दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर के फोन पर एक वीडियो कॉल आई थी और जिसे उठाते ही स्क्रीन पर अश्लील वीडियो प्ले हो गई। उनके मोबाइल पर एक अश्लील जो है वीडियो चली, एक वीडियो कॉल के जरिए, जिसको तुरंत प्रभाव से उन्होंने कॉल कट कर दी और जिसमें तथाकथित रूप से साइबर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे और उन्होंने उसकी तुरंत कंप्लेंट करवाई। कंप्लेंट के पश्चात पुलिस ने तुरंत इसमें तकनीकी जांच के उपरांत पंचकुला में गांधी जयंती के दिन हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर ने अपनी मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार और पंचकुला प्रशासन ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोक दिया। वहीं आपको बताते चले कि रोष व्यक्त कर रहे लेक्चररों ने बताया कि उन्होंने सेक्टर 5 पंचकुला में होने वाली इस प्रदर्शन की जानकारी उपायुक्त पंचकुला को दे रखी थी और की पिछले कई दिनों से तैयारी भी चल रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि आज धरना स्थल पर एक्सटेंशन लेक्चरर्स और उनके परिवार के हजारों लोग इकट्ठा होने थे, लेकिन सरकार के तानाशाही रवैये से एक्सटेंशन लेक्चरर को सेक्टर 5 पंचकुला में इकट्ठा नहीं होने दिया गया और बसों में भरकर सैकड़ों लोगों को अलग अलग जगह छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स की गिरफ्तारी बच गई है, वह माता मनसा देवी मंदिर के पार्क में इकट्ठा हो गए हैं और सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में काम करने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर जो सारे लोग एलिजिबल हैं, नेट पीएचडी हैं, हजारों किसी के लोगों के शोध पर प्रकाशित हो चुके हैं, किसी की किताबें, किसी के संस्मरण, किसी का मतलब सबसे पढ़ी लिखी जमात माना जाता है हमें। हमारी एक ही मांग है कि हमें रेगुलर दें, इसके सिवा कोई डिमांड नहीं है। रेगुलराइजेशन की मांग के लिए, उस पर बात करने के लिए, उस अपना विरोध जताने के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए एक पंचकुला के सेक्टर 5 में जो प्रस्तावित था हमारा, उसमें इकट्ठा होने के लिए आज यहाँ लोग आए। 2000 एक्सटेंशन लेक्चर पिछले 12 सालों से हरियाणा के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में काम कर रहे हैं, जिसमें से 1200 के करीब तो महिलाएं हैं। और सबसे बड़ा क्या है, जब से हमें लोगों ने ज्वाइन किया है, ये सरकार हमारा शोषण ही कर रही है। हमारे बेसिक जो बेनिफिट्स हैं, जो हमारी अलाउंसेज हैं, हमें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जाती, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, चाहे मेडिकल लीव हो, ऐसी कोई फैसिलिटी एक्सटेंशन लेक्चरर्स को नहीं दी गई। हरियाणा के तेगांव विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किए गए और जिसको लेकर विधायक राजेश नागर ने गांव महमूदपुर में सड़कों, गलियों और नालियों के निर्माण की शुरुआत करवाते समय कहा कि इन विकास कार्यों से स्थानीय जनता को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यहां बीएनडीआर की ओर से जो करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने निर्माण कार्यों की शुरुआत स्थानीय बुजुर्गों से नारियल फुड़वाकर की और विकास कार्यों में तेगांव विधानसभा क्षेत्र बहुत तेजी से आगे चल रहा है, जो सभी लोगों को दिखाई भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक ही नीति है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक,
इसलिए वह सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में समान विकास करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हूं। हमारा एक पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है महमूदपुर से ढैकोला, ढैकोला से भैसरावली और भैसरावली से तिगाव, ये 2 करोड़ की लागत से बनेगी। इसका उद्घाटन किया गया है और उसके अलावा 50 लाख के काम हमारे गांव महमूदपुर में होंगे, उसके लिए 50 लाख के टेंडर हुए और वो काम जल्दी चालू हो जाएंगे। अगर मुख्य सड़क की बात करें जो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर फरीदाबाद से लेकर मझावली तक बननी थी, उसका क्या रहेगा? ग्रेटर फरीदाबाद से लेकर मझावली पुल बन रही है, जो खेड़ी पुल से बन रही है उसका काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। और गांव में जो रास्ते रह रहे हैं एक दो, उस ज्यादातर सभी गांव के रस्तों के पैसे आ गए हैं और जल्दी उनके काम चालू। फरीदाबाद में यमुना किनारे बसे शाहजहांपुर गांव के रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और झगड़े में दो लोगों की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या भी कर दी गई। झगड़े में एक पक्ष के दो लोगों की मौत हो गई है और जबकि दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। हमारा एक रास्ता है, मैंने बारह फुट रास्ता वास्ते जो मिल गया था, तो हमारी बहन बहन वो कंडा मंडा लेने जा रही थी ना, सिस्टर तुम्हारी, हाँ जी, तो सुंदेरा का बड़ा लड़का वो मोहित, छोटा लड़का करमवीर, और क्या नाम उनका गांव की थे ये लोग, हाँ जी, सारे गांव के थे, 8-10 बंदे थे। क्या हुआ? हम फिर उनसे गए, जैसे वहाँ पे जब वो छेड़े थे लड़कियाँ हमारे पास बागी, तो हमने भाई, तो उन्होंने लाठी डंडा हमारे चप्पू को पूछ चला दिया हमारे। क्यों छेड़छाड़ कर रहे थे उसके साथ? ये वो रास्ते को ऊपर मना कर रहे थे, उसे छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे रास्ते में से मत निकलो। सरकार के किसानों को 71 घंटे में भुगतान करने के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि झज्जर के अनाज मंडी में ना तो बाजरे की फसल की उठान हो पा रही है और ना ही किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय पर हो पा रहा है, और जिसकी वजह से किसान और आढ़ती दोनों ही आक्रोश में हैं। बताते चले कि इन दिनों झज्जर अनाज मंडी में बाजरे की आवक भरपूर है, लेकिन मंडी का स्थान छोटा होने और बाजरे की फसल का उठान समय पर ना होने के चलते पूरी मंडी अब छोटी दिखाई पड़ने लगी है। वहीं मंडी आढ़ती चांद सिंह, आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हरेंद्र सिलाना और उप प्रधान सोहन सिंह ने कहा कि बेशक सरकार समय पर उठान और समय पर भुगतान का दावा कर रही है, लेकिन सरकार के दोनों ही दावे फेल हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि अधिकारियों की हठधर्मी की वजह से किसानों और आढ़तियों का नुकसान हो रहा है। समस्या ये है कि जो कि हमारी मंडी जो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे छोटा एरिया कहलाता है, क्योंकि और मंडियों में बहुत बड़ा ग्राउंड है जो कि किसान अपनी फसल को आसानी से उतार सकता है, आढ़ती को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। इसमें आज हमारे मतलब मंडी में देखा जाए पर तो आज कम से कम एक हफ्ते से हम मशीन चला रहे हैं, एक मशीन जो है ना 1200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ले रही है। जब मंडी स्टार्टिंग शुरू होती है तो परेशानी आती है, और धीरे धीरे स्टार्टिंग में गेट पासों की दिक्कत थी, लंबी लाइनें थी। आज आपके सामने कोई भी भीड़ हो तो, रही बात परचेज की, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है ना बिल्कुल धीमी परचेज थी। स्टार्टिंग में 2491 कुंडली खरीदी, अगले दिन 6100 की खरीदी, अब तीसरी परचेज में जो है लगभग 15000 से अबू परचेज की उन्होंने। रही बात ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल फिलहाल दिक्कत थी कल शाम तक, आज जो ट्रांसपोर्ट से बात हुई है रैक लग रहा था तेल का और खाद का, तो लेबर भी वहाँ सारी बचती और गाड़ी भी सारी बचती। अब खबर पानीपत से है, जहां सरकारी अस्पताल के बाथरूम में बच्चे को जन्म देने के बाद मां वहां से फरार हो गई। आपको बताते चले कि आसपास के लोगों ने जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी और जाकर देखा तो नवजात बाथरूम में के फर्श पर पड़ा हुआ था, और वहीं इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें महिला दिखाई दे रही है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे के मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
ये अकेली महिला बाथरूम में आकर के और डिलीवरी अपने आप इसने बाथरूम को लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद किसी की भी एंट्री उसके अंदर नहीं हो पा रही थी गेट गार्ड को कि ये बाथरूम लॉक पड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे दरवाज़ा खटखटाने पर उसको खुलवाया गया। खुलवाते ही ये महिला जो है वो भीड़ के कारण बाहर अपने आप निकल गई है। तो हमने ये जानकारी पुलिस विभाग को रुकते के माध्यम से और MLC के माध्यम से दे दिए। सूचना प्राप्त हुई है सिटी थाने में कि वहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके फर्स्ट फ्लोर पर एक नवजात बच्चा मिला है। बच्चा स्वस्थ है, वो हॉस्पिटलाइज कर दिया है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और जो CCTV फुटेज देखने पर पता चला है कि एक महिला और एक उसके साथ लड़की है, वो लिफ्ट से जाती हुई दिखाई दी है, तो उसका भी पहचान की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे का इलाज चल रहा है। जो स्वीपर थी जिसने पहली बार देखा था उसको भी बुलाया गया, उससे पूछताछ करने के बाद। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने सोनीपत के गांधी चौक पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने इस दौरान सड़क सफाई अभियान में झाड़ू लगाकर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का सपना ग्राम स्वराज और स्वच्छता को पूरा करने का काम किया है। साल 2014 में पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से भ्रष्टाचार की सफाई करने का एक संकेत दिया था और विप्लव देव ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनका कोई काम नहीं होता वह आरोप ही लगाते हैं। कार्यक्रम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के जो सपना है ग्राम स्वराज और स्वच्छता, असलियत में किसी ने काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद उनका सबसे बड़ा अभियान था स्वच्छ भारत, और अपोजिशन के लोग उस समय बोले थे झाड़ू लेके मोदी जी खड़ा हो जाएगा तो इससे क्या स्वच्छता होगा, तो सिर्फ झाड़ू देके हमारे साफ सफाई रोड करना बा कोई गांव का करना ड्रेन करना वो नहीं है मोदी जी का। वो फरीदाबाद बल्लभगढ़ विकासखंड पंचायत कार्यालय में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर विकासखंड पंचायत अधिकारी अजय सिंह, असिस्टेंट BDPO भारत भूषण, पंचायत अधिकारी अमित भडाना और ग्राम सचिव वंदना सहित सरपंच गण मौजूद रहे। और इस मौके पर अजय सिंह ने बताया कि प्रदेश के अंदर लगभग ब्लॉकों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है और इसी कड़ी में गांव खंड में कार्यक्रम रखा गया था, तो वहीं अब बल्लभगढ़ खंड में भी कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें सभी सरपंच और ग्राम सचिव सहित लोगों ने हिस्सा लिया। जो आज हमारे ब्लॉक में जो कार्यक्रम रखा गया है ये मेरी माटी मेरा देश, इस प्रोग्राम से जो बीजेपी सरकार है इसने जवानों को और अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार दिखाया है। इस प्रोग्राम से हमारे हर गांव में हर पंचायत में यह संदेश जाता है, हमारे बच्चों में भी भविष्य में जाता है कि सब आज हम सुरक्षित जो बैठे हुए हैं वीर जवानों की वजह से बैठे हुए हैं, मातृभूमि की वजह से बैठे हुए हैं। मैं इससे अच्छा प्रोग्राम मैंने कभी पहले नहीं देखा। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सीएम केजरीवाल पर तंज कसा है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि केजरीवाल बिजली फ्री की बात करते हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि दिल्ली के लोगों को कितनी बिजली फ्री दे रहे हैं। वास्तव में दिल्ली में इंडस्ट्री बाहर आ रही है और जिसमें से 70% हरियाणा में लग चुकी है, कुछ इंडस्ट्री नोएडा में गई है। वहीं आपको बताते चले कि ग्रुप हाउसिंग लगभग सभी कंपनियां हरियाणा में हैं और इस तरह से दिल्ली के लोगों को भी हरियाणा ही बिजली सप्लाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब जेब में 100 रुपए हों और हम 5 स्टार में खाना खाने की बात करें तो गलत है, क्योंकि पैसा जनता का है, हमें प्लानिंग नहीं करनी होती। जब कॉर्डिनेशन की मीटिंग थी सब ऑफिसर्स गए हुए थे तो एक PM साहब का सुझाव था, उन्होंने चेयर करी थी आपके स्विगी की से,
कि जो नए थर्मल लगे वो स्टेट में ना लग के वहीं लगने चाहिए जहाँ से प्रोडक्ट उठाते हैं, तो उससे एक ट्रांसपोर्टेशन का ये वो लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। तो हमने सबमिशन दी थी कि ये हमारी यहाँ पानीपत जो है वो 30 सालों के यूनिट बंद होने जा रहा है, तो हम उसकी जगह यमुना। सोनीपत सेक्टर 8 स्थित पार्कर व्हाइट लिली के रेजिस्टेंस ने बिल्डर पर अचानक से मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि यही नहीं, रेजिडेंट्स ने साफ किया है कि सोसाइटी में सुविधाओं के नाम पर उनके साथ छलावा किया जा रहा है। उन्होंने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोसाइटी परिसर में एकत्रित होकर रोष प्रकट किया और हरेरा के साथ ही पुलिस ने भी शिकायत की। वहीं आपको बता दें कि रेजिडेंट्स ने बिल्डर को अल्टीमेटम दिया है कि यदि सप्ताह भर में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। रेजिडेंट्स एसोसिएशन के महासचिव सुनील कुमार के अलावा भूमिका शर्मा, संतोष राठी, कमलेश कुमारी, विजेंद्र जांगड़ा ने बताया कि सोसाइटी के में शर्तों के अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। और मैं 2018 में यहाँ इसका जो बाहर का जो फेस और सब कुछ देख के कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और मैं ही नहीं है जितने सब लोग खड़े हैं, ये यहाँ की फैसिलिटी जो इन्होंने जो हमें सब्ज पार्क दिखाए थे बहुत बढ़िया सब कुछ, और उसको देख के सभी लोग आए हुए। और ये मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस सोसाइटी का रेट जो पास वाली सोसाइटी से कम से कम 15 लाख फालतू है। आप ये पैथ ग्रीन को देख लो, जो फ्लैट यहाँ पे हमने 55, 52, 53 में लिया है वहाँ 35 से 40 के बीच में बिका, और 3 बेडरूम विद सर्वेंट रूम, सर्वेंट रूम के साथ। तो इतने 15 लाख रुपया फालतू हमारे से लिया गया कि आपको बढ़िया फैसिलिटी दी। उसके बाद इसके लिए सबसे पहले व्हाइट लिली सोसाइटी की स्थायी निवासी हूँ, और यहाँ पर अभी फिलहाल जो मेंटेनेंस हमें फ्लैट लेते समय दिखाई गई थी उसमें इजाफा किया जा रहा है, और साथ ही मेंटेनेंस को बिजली के मीटर से जोड़ा जा रहा है। और बिजली का मीटर एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक आम नागरिक का अधिकार है, जिसको तानाशाही से जोड़कर व्हाइट लिली सोसाइटी के जो बिल्डर हैं वो निश्चित रूप से हमारे हाथ काट रहे हैं और मौलिक अधिकारों के साथ खनन कर रहे हैं। तो ये दरख्वास्त है मीडिया के माध्यम से कि इस आवाज को सरकार सुने और बिल्डर को जो भी उचित कार्यवाही है उसके लिए। बाढ़ की तबाही से हुए नुकसान के मुआवजे की भरपाई को लेकर किसान लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान फतेहाबाद से पैदल चलकर अंबाला पहुंचे, और जिसके बाद किसान संघर्ष समिति बाढ़ से हुए नुकसान के उचित मुआवजे की मांग को लेकर अब चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा खोलेंगे। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वे डटे रहेंगे। वहीं किसान संघर्ष समिति के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने पहले हिसार और फतेहाबाद में फसल बीमा मुआवजे को लेकर पक्का मोर्चा लगाया था, लेकिन सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी और इसके बाद अब चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। ये किसानों के फसलों के मुआवजे की बात है और बीमा कंपनी जो बागी है उनकी बात है, किसान की बात है, बाढ़ से परेशान है, सूखे से परेशान है, ऊपर से सरकार की जो नीति है उनके कारण परेशान है। और दिल्ली से भी बड़ा मोर्चा आपको चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर देखा जाएगा। ये फतेहाबाद से हमारे साथी पगड़ी संभाल जट्टा के जो पिछले 6 दिनों से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, इनके पाँव में छाले पड़ गए हैं। ये हमारा जो संगठन है हरियाणा के अंदर काम करता है, और 117 दिन हमने हिसार के अंदर पक्का मोर्चा लगाया था जो बीमा क्लेम को लेकर, और अभी फतेहाबाद के अंदर पक्का मोर्चा चल रहा है। 26 सितंबर से फतेहाबाद के पक्का मोर्चा से हमने पैदल विधानसभा के लिए कूच किया है, क्योंकि जो हरियाणा की सरकार है वो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।